हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सामाजिक उद्यमिता। नेक्स्ट आप देखते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आता है हु इज सोशल एंटरप्रेन्योर, कि सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, कौन से की एरिया होते हैं और क्या एग्जाम्पल है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या स्टार्टअप या कोई भी एंटरप्रेन्योर डेवलप करता है फंड सॉल्यूशन को, जो कि डायरेक्टली एड्रेस करते हैं सोशल इश्यूज़ को। मतलब सोशल इश्यूज़ के लिए कोई भी सोशल एंटरप्रेन्योर कुछ करता है, होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो कोई भी सोशल एंटरप्रेन्योर देखता है कि बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लोर करता है और क्या चीज़ें की जा सकती है कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए, ताकि उन पर पॉजिटिव इम्पेक्ट जाए। मतलब उनकी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, उनके लिए कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी रिकॉग्नाइज करना क्या सोशल प्रॉब्लम है, कैसे सोशल चेंजेस को लेके आ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर के प्रिंसिपल को, प्रोसेस को और ऑपरेशंस को अप्लाई करना। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी पर्सन को चेंज लेके आ सकता है या कोई सी भी सोशल प्रॉब्लम को हटा सकता है, वो होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये लाइफ टाइम की प्रोसेस होती है कि फोकस कैसे इम्प्रूव किया जाए एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हु इज़ सोशल एंटरप्रेन्योर, कि सामाजिक उद्यमी कौन होता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर कोई भी पर्सन जो कि सोशल प्रॉब्लम को देखता है, उसके सॉल्यूशन को और कुछ इनोवेटिव पाथ को प्रोवाइड करता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर एक ग्रेट कोई भी पीपल हो सकता है, वो रिक्रूट कर सकता है लोगों को उसके आइडिया के लिए कि लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही में वो पार्ट हो सकता है सोशल प्रॉब्लम का, जो भी उसके पास हो रही है उसने रिकॉग्नाइज किया और उसको उस प्रॉब्लम को चेंज करना है, वो होता है सोशल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के। तो फर्स्ट आता है कि ये मेंटेन करता है और क्रिएट करता है स्टेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, मतलब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी उन्होंने दिया है उतना स्टेबल रखता है, उसको कम नहीं करता है मेनली। नेक्स्ट आता है ये जॉब को क्रिएट करता है या सपोर्ट को प्रोवाइड करता है सोशली, जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प करता है, साथ ही में प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योर स्किल को, मतलब लोगों को और एंटरप्रेन्योर बनाता है और उनको प्रमोट करता है। ये कंपनसेशन देता है कंट्रीज़ को नेरो प्लेसेस में, साथ ही में सोशल एंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है सोशल इनोवेशंस को, चेंज लेके आता है बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ, एनवायरमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट। साथ ही में सोशल एंटरप्रेन्योर रिस्क को कम करता है, जो भी लोग गरीबी है उनको कम करने का काम करता है। तो ये मेन फंक्शंस होते हैं किसी भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के। नेक्स्ट आते हैं की एरियाज ऑफ वर्क फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, कि कौन से एरिया है मेनली जहाँ पे कोई भी सोशल एंटरप्रेन्योर इंडिया के अंदर काम कर। फर्स्ट आता है एजुकेशन, सेकेंड है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, रिन्यूवल्स और एनर्जी। तो ये मेनली फील्ड है जिसके लिए कोई भी सोशल एंटरप्रेन्योर काम करता है कि इनको और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आता है एग्जांपल्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कि कुछ एग्जांपल जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट है अंशु गुप्ता, जो कि फाउंडर है गूंज के। तो अंशु एक मीडिया प्रोफेशनल थे, उन्होंने प्रॉपर क्लॉथिंग के सिस्टम को स्टार्ट किया, मतलब जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है उनसे लेके उसकी अपसाइक्लिंग करके जिन भी लोगों को उसकी ज़रूरत है उनको ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है संतोष, ये फाउंडर है पीपल ट्री के,
इन्होंने फोकस किया था अंडर रिलेटेड सेगमेंट्स में, मेनली रूरल इंडिया में, कि कैसे उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाए रूरल यूथ के डेवलपमेंट के लिए, रूरल यूथ को इस्टेब्लिश करना, उनको सूटेबल जॉब प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है उर्वशी, जिन्होंने सेफ स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन स्टार्ट किया, जिन्होंने कि सेट किया एजुकेटेड गर्ल्स को रूरल एरिया में, और स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म किया। 1000 स्कूल्स इन्होंने ओपन किए, जिनमें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे टीचर्स के लिए, और ये इम्पेक्ट डाला इन्होंने 5 मिलियन स्टूडेंट पे, मेनली यूपी और राजस्थान के स्टेट्स में। फिर आता है हरीश, उन्होंने सीईओ, ये फाउंडर थे सेल्को के, ये फर्स्ट सोलर फंडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कि सेल्को का एम था कि ये सस्टेनेबल एनर्जी को कंट्री में रूरल एरिया के प्रोवाइड करें। ये कुछ एग्जांपल है जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर के, तो फर्स्ट है एजुकेशन, कंटेंटमेंट, कम्युनिटी रूट्स, एम्पैथी, क्रिएटिव, प्रियर वर्क एक्सपीरियंस और ग्लोबल एक्सपोजर। तो जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसके अलावा भी कोई भी सोशल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या और मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या थ्रेट्स होते हैं, तो फर्स्ट आता है लीडरशिप, कि उसको लीड करना आना चाहिए, कि कैसे वो टीम को लेके चल सकता है, उसका क्या मोटिव है, वो टीम को कैसे असिस्ट करेगा, और जो भी उसने सोचा है उसके गोल्स को वो कैसे अचीव करेगा, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा उसके ओपिनियन से। नेक्स्ट आता है इमोशनल बैलेंस, जो भी सोशल वर्कर्स होते हैं उनको एम्पैथी, प्रैक्टिकल अप्रोच पता होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, इमोशंस को समझे पर ओवरब्लेन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा भावुक नहीं हो जाना चाहिए उस चीज़ को समझ के, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको वो इजीली फेस कर सके। नेक्स्ट आता है विज़न, जो भी सोशल एंटरप्रेन्योर होता है उसको फ्यूचर का देख के लॉन्ग टर्म तक कोई भी ऐसे चीज़ों को करे वो जो कि सोसाइटी के लिए परमानेंट सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू मल्टीटास्क, जो भी सोशल एंटरप्रेन्योर होता है उसको मल्टीटास्कर होना चाहिए, कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकता है, साथ ही में वो अपने बिजनेस को मैनेज करे, सोसाइटी को मैनेज करे, कम्युनिटी के लिए कुछ नया सोचे, टीम को मैनेज करे, तो बेसिकली उसको मल्टीटास्कर होना चाहिए, कि वो एक साथ में बहुत सारे काम हैंडल कर सके। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग, अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकता है, जो भी सिचुएशन है उसको सही तरीके से फेस कर सकता है, साउंड और रेशनल डिसीजंस ले वो। फिर नेक्स्ट आता है ओपन टू कोलैबोरेशन, कि उसको लोगों की हेल्प करने के लिए ओपन रहना चाहिए, कि कुछ भी किसी को भी ज़रूरत है तो वो हेल्प करे, पार्टनरशिप की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की नीड चाहिए, किसी को एक्सपर्ट स्किल चाहिए, तो वो डिफरेंट तरह के कोलैबोरेशन करने के लिए भी उसको रेडी होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर में, पर ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप हम इकोनॉमिक वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हम सोसाइटी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। फिर सेकेंड आता है जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो कस्टमर पे उनका फोकस होता है, कि कस्टमर्स को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करें, उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें, उनकी नीड्स वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड रखें। वहीं सोशल एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है, कि सोसाइटी की हेल्प कर सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। फिर एंटरप्रेन्योरशिप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं, कि हाई प्रॉफिट अर्न करना, सेल्स को इनक्रीज करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फिर वहीं सोशल एंटरप्रेन्योर का सोशल इम्पैक्ट डालना, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट आता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो इनडायरेक्टली लिंक होता है सोशल इश्यूज से, मतलब वो सोसाइटी के लिए कुछ थोड़े बहुत प्रोग्राम्स कर सकता है, पर वो एंड में करता है जब वो प्रॉफिट में होती है कंपनी, या फिर उसको लगता है कि उसको खुद को प्रमोशन करना है, तो वो इनडायरेक्टली करता है। फिर वही सोशल इशू, ये डायरेक्टली लिंक होता है सोशल इशू से, कि इनका मेनली फोकस होता है कि सोसाइटी के लिए ही ये काम करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका मीनिंग, व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हु इज सोशल एंटरप्रेन्योर, क्या फंक्शंस होते हैं, कौन से की एरियाज होते हैं जहाँ पे कि सोशल एंटरप्रेन्योर उनके लिए काम करता है, उसके एग्जांपल और कैरेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट में हमने डिफरेंस देखा कि एंटरप्रेन्योर और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।